नमस्कार, ये खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस राणा और सन आपको बताने जा रहा हूं सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3600 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3607 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा देखें तो यह 3590 तक पहुंच गया है और कोरोना के कुल केस की तादाद 97648 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 47968 है। अब तक 4678 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई की जहाँ तक बात हो तो यहाँ कोरोना के 54085 मामले हैं। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1594 लोगों की मौत की पुष्टि सामने हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 1418 नए मामले सामने आए, 97 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में डिस्चार्ज होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 1561 है। महाराष्ट्र में इससे पहले बुधवार को 3254 केस नए सामने आए थे और 149 लोगों ने दम तोड़ा था, जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटे में 567 नए केस सामने आए थे और 97 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। वहीं देश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 286,000 को पार कर गया है, जो कि 3,00,000 के करीब है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 286,579 है, जिसमें 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी इतना ही। कैमरामैन परवेश राणा के साथ की खबर।